तो कैसे हो आप सब। तो आज का वीडियो बनने वाला बहुत ही इंटरेस्टेड, क्योंकि बहुत लोग कमेंट करते हैं कि भाई बोलते हैं कि हम अगर एक्सिकॉन सिरप या फिर ल्यूकॉन सिरप या फिर मशरूम मेडी यूज़ कर देना बंद कर देते हैं तो क्या हमारा वेट लॉस हो जाएगा। मान लीजिए कि अगर हम अभी यूज़ कर रहे हैं, मतलब अभी हम यूज़ करना स्टार्ट कर रहे हैं, हमारा वेट है 40 kg, यूज़ किया वेट गेन हो गया, वेट हुआ 60 kg, बंद कर दिया जो प्रोडक्ट है उससे वेट हमें रिजल्ट मिल गया, अब हम इस प्रोडक्ट को बंद कर देना चाहते हैं क्योंकि हमारा बजट भी नहीं है और किसी भी प्रोडक्ट को एक लॉन्ग टाइम तक यूज़ करना सेहत के लिए अच्छा नहीं होता है। हम इस प्रोडक्ट को बंद कर देते हैं। अब हमारा वेट था 60 kg, प्रोडक्ट बंद कर दिया तो क्या हमारा वेट फिर से 40 kg, 30 kg, 50 kg तक आ जाएगा। तो चलिए इसके बारे में क्विक बात करते हैं। तो बहुत लोगों ने कमेंट किया है, आप सबसे पहले कमेंट के स्क्रीनशॉट देखिए, नहीं तो आप बोलोगे कि भाई आपने एक बार यही वीडियो मशरूम मेडी के ऊपर भी बनाया था। जी हां गाइस, पर आप लोगों को पता नहीं है कि आपको क्या करना चाहिए, किस तरह से करना चाहिए। मैं सीधी लैंग्वेज में, सीधी भाषा में आपको इस वीडियो में बताता हूँ कि आपको इस तरह से अगर आपके साथ हो रहा है तो आपको क्या करना चाहिए। तो अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इंस्टाग्राम में मुझे ज़रूर फॉलो कीजिए। तो वीडियो को लाइक तक देखते रहिए, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, मार्केट में आपको 300 रुपये का सप्लीमेंट मिलता है, 3000 का मिलता है, 30000 का मिलता है, 30 लाख का मिलता है। डिपेंड करता है कि आपका बजट कितना है, आप कौन से प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हो। तो सबसे पहले अगर बात करें कोई भी सप्लीमेंट, वे प्रोटीन ले लीजिए, मशरूम मेडी ले लीजिए, ल्यूकॉन सिरप एक्सिकॉन सिरप ले लीजिए, या फिर आप कोई भी जो मार्केट में आप जानते हो, या फिर आप किसी आपके जो गुरुजी है उन्होंने अगर आपको सजेस्ट किया है, फिर भी वेट है वो लॉस हो जाएगा। जी अगर जितना आपने गेन किया हुआ है, जो आपने इतना स्ट्रगल किया हुआ है, जब आप इस प्रोडक्ट को यूज़ करना बंद कर देते हो तो आपका जो वेट है वो लॉस हो जाएगा। अब इस तरह से क्यों होता है, वैसे आप कोई भी प्रोडक्ट ले लीजिए, 30000 का, 10000 का, 3000 का, 30 रुपये का, जब तक आप वो प्रोडक्ट खाते हो तब तक ही आपका वेट गेन होगा। जी गाइस, क्योंकि उस टाइम में आप जो आपका जो बेसिक फूड है, जो आप डेली जो फूड खाते हो, मान लीजिए कि अभी आप कोई भी प्रोडक्ट यूज़ कर नहीं कर रहे हो, सबसे पहले आप ये बात समझ लीजिए, अगर आप कोई भी प्रोडक्ट यूज़ नहीं कर रहे हो तो आपका जो एक टाइम का खाना है वो आपकी 2 रोटी या फिर 3 रोटी है। आपने कोई सप्लीमेंट यूज़ करना स्टार्ट कर दिया तब आपकी जो भूख है वो बढ़ जाती है, तब आप जो 3 रोटी खाने वाले थे वो आप 6 रोटी खा लेते हो। तो ये एक फ़र्क है, डिफरेंस है। तो आप उस टाइम में ज़्यादा खाना खाते हो, आपको लगता है कि हमने प्रोडक्ट लिया है रिजल्ट मिलना चाहिए, इसलिए आप ज़्यादा खाना खाते हो, और वो जो सप्लीमेंट है वो भी आपके बॉडी को एक फोर्स करता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा खाना खा सको। तो इस तरह से होता है, जब आप प्रोडक्ट यूज़ करना बंद कर देते हो तो उस टाइम क्या होता है कि आपका जो 6 रोटी वाला जो डाइट रहता है ना वो बंद हो जाता है, आप फिर से 4 रोटी 3 रोटी पे आ जाते हो। तो इस तरह से क्या होता है कि आपका जितना भी वेट है वो कम हो जाएगा। जी अगर जितना वेट था उतना आ जाएगा, या फिर अगर आपका खाना वगैरह एकदम ठीक नहीं रहा, या फिर जो सप्लीमेंट है वो आपके बॉडी के ऊपर अच्छे तरीके से इफेक्ट नहीं हो रहा है, तो आपका जो वेट है 30 kg से फिर भी नीचे आ जाएगा, 25 kg तक आ जाएगा, गर्ल्स की बात कर रहा हूँ मैं। या फिर आप एग्जांपल के लिए वेट समझ लीजिए कि इतना हो सकता है, मान लीजिए आपका वेट ऑलरेडी 50 kg है तो 40 kg के आसपास आ जाएगा। तो इस तरह से होता है। तो हमें इस तरह से बचने के लिए क्या करना चाहिए, तो आप जब कोई भी फूड वगैरह यूज़ करते हो तो इसके साथ जो मेन है वो डाइट है। जगह आप जो कुछ भी आपके घर में फूड अवेलेबल है, रोटी है, दाल है, चावल है, स्वीट पोटैटो, या फिर सादा जो पोटैटो आता है, सिंपल पोटैटो, दही वगैरह, छाछ वगैरह, तो ये सब खाते रहना चाहिए, पीते रहना चाहिए। सप्लीमेंट यूज़ करो या फिर ना यूज़ करो, सबसे बेस्ट है आप कोई भी सप्लीमेंट यूज़ करते हो तो बढ़िया बात है, अगर सप्लीमेंट कोई भी यूज़ ना करते हो तो सबसे बढ़िया बात है। बेस्ट रिजल्ट आपको सप्लीमेंट के बिना भी मिल सकते हैं। बहुत लोग जो है वो डाइट नेचुरल तरीके से जो उनका गोल है वो अचीव करते हैं। जो सप्लीमेंट है वो अब ये कुछ स्टोराइड वगैरह नहीं होता है, जगह सप्लीमेंट एक नेचुरल प्रोडक्ट ही है, जैसे कि ल्यूकॉन सिरप एक्सिकॉन सिरप क्या यूज़ किया है, सारे के सारे नेचुरल इंग्रेडिएंट्स है। वे प्रोटीन में क्या यूज़ किया है, मिल्क यूज़ किया है, जो कि नेचुरल इंग्रेडिएंट्स है, मतलब हम घर में मिल्क पीते हैं। तो जब तक आप आपका डाइट अच्छे तरीके से फॉलो करते हो तब तक आपको बेस्ट से बेस्ट मिलता रहेगा, आपका जो वेट है वो कभी भी कम नहीं होगा। पर आप अगर आपका डाइट अच्छे तरीके से फॉलो नहीं करोगे तो आपका जो वेट है वो जल्दी से जल्दी लॉस हो जाएगा, 50 kg या ना 40 kg जल्दी आ जाएगा। तो सबसे पहले आपको जो आपका डाइट है उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए, जो आप फूड खा रहे हो आपको कंटिन्यू बेस पे खाना चाहिए। अगर आप डाइट अगर नहीं करते हो तो आप कितने भी कॉस्टली सप्लीमेंट ले लीजिए, आपका कोई भी गुरु हो अगर बताएगा कि ये यूज़ करने से आपका जो वेट है वो लॉस नहीं होगा, जितना आप स्टॉप हो जाएगा, तो इस तरह से नहीं है। अगर आप जो मेन जो वेट गेन करने के लिए जो मेन फूड है ना वो आपका डाइट ही है, कोई भी सप्लीमेंट वगैरह वर्क नहीं करेगा जब तक आप आपका डाइट सही ना करो। और एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक वेट गेन करने के लिए एक सिंपल से जो बेसिक फूड है वो मैंने ऐड कर दिया, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे, या फिर
और स्क्रीन पे भी आपको शो हो जाएंगे। तो गाइस यही था वीडियो, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इंस्टाग्राम पर मुझे जरूर फॉलो कीजिए। तो आज के लिए इतना ही, सप्लीमेंट का ये बॉडी बनाइए बजरंग बली। जय हिंद।